स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों देश और प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। 2024 के चुनाव से पहले सपा को झटका देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने MLC और सपा से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश रास्ते से भटक गए हैं, उनसे मतभेद है, मनभेद नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर है। वैचारिक मतभिन्नता के नाते मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, मतभेद हुआ है, मनभेद नहीं हुआ है। जब भी सही रास्ते पर आएंगे मैं उनका स्वागत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी वो रास्ते से भटके हुए हैं। यहाँ तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी मजाक उड़ा रहे हैं। आज कहने के लिए तो अपने को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी मनवादी व्यवस्था के शिकार हैं। स्वामी के इस्तीफे के बाद सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव नहीं जीत पाए थे, सपा ने उनको MLC बनाया था, सब कुछ मिलने के बाद भी उन्होंने हमको धोखा देने का काम किया है। मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें MLC बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है। और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। स्वामी के इस्तीफे पर बदायूं से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर खरी खरी सुनाई है। धर्मेंद्र यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो अपनी पार्टी के सिंबल पर अपनी बेटी को चुनाव लड़वा कर दिखाएं। देखिए किस वजह से दिया, इसका वजह तो देने वाला ही बता सकता है। जहां तक मैं समझता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद जी का जितना सम्मान किया उतना शायद उनका कभी जीवन में किसी भी दल ने नहीं किया होगा। अब वो क्यों छोड़े हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इसका जवाब उनसे लीजिए। और सुना है कि कल 22 तारीख को वो कहीं नई पार्टी गठित कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा। तो मैं इतना ही उम्मीद करता हूं कि वो जो भी नया दल बना रहे हैं उस नए दल का झंडा भी सुना लॉन्च हुआ है, कुछ दिनों में सिंबल भी आएगा, उस नए दल के नए सिंबल पर उनकी बेटी चुनाव जरूर लड़ें, ऐसी मेरी उनको शुभकामनाएं हैं।